जय माता वैष्णो देवी की, जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों फिर से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। अब हम यहाँ से सीधा माता रानी के दर्शन करेंगे, जिससे पहले कि लोकल रूम की तरफ जाएंगे, वहाँ सामान जमा करवाना होता है। आपको पर्स, फोन, मोबाइल सब कुछ अलाउ, कुछ अलाउ नहीं है। आपको चमड़े का सामान ले जाना। तो सीधा लोकल रूम की तरफ जाके सामान जमा करवाते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं, फिर आपको भी दर्शन करवाते हैं। देखते रहिए ब्लॉग को, बने रहिए साथ में, वीडियो को मिस ना करें, बीच में भी कट ना करें। थैंक यू दोस्तों। सुनो बहुत शानदार हो रही है, देखिए ऊपर से आपको नज़ारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुनो हो चुकी है और लगातार सुनो जा रही है। ये ठंड बहुत ज़्यादा है, -6 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर है। अब बोलो, ये देखो बर्फ के नज़ारे, शानदार, क्या शानदार। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं अभी जस्ट भवन, माता रानी का भवन, जहाँ पर माता रानी के निवास भी है और गर्भ गुफा भी है, आपको जस्ट देखने को मिलेगा थोड़ी देर में। बहुत शानदार नजारा, मनमोहक करने वाला दृश्य, देख करिए। कहते हैं तेरे दिल में नदिया ममता की है बहती, करे प्यार दुलार। तो दोस्तों आप देखिए जब तक भवन का नजारा, और हम सामान जमा कर चुके हैं। अब मैं आपसे विदा लूंगा थोड़ी देर के लिए और माता रानी का दर्शन करवाऊंगा। आप सभी को माता रानी का दर्शन करना है लाइव। जय माता शेरे वाली, माता दी की जय हो। दोस्तों दर्शन हो चुके हैं, आपने भी दर्शन किए होंगे, आगे की जर्नी के लिए देखते रहे। बहुत ही अच्छा नजारा है, शानदार बर्फ पड़ रही है, आनंद आ गया, बढ़िया से दर्शन हो गए। एक आंटी हमें देख के मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद में दूसरा पड़ाव आता भैरवनाथ जी के ऊपर दर्शन करने का, जो कि माता रानी के यहाँ से 3 किलोमीटर के समथिंग दूरी पर है। जिस पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रोपे से जा सकते हैं आप, जो 100 रुपये चार्ज लगता है एक सिंगल आदमी के ट्रोली से, और तो दूसरा रास्ता है पैदल सफर करने का। तो हम करेंगे पैदल सफर माता रानी का दर्शन करने के बाद में। इतना अगर दर्शन पैदल करके किया है 13-14 किलोमीटर, तो आगे का सफर भी क्यों ना पैदल सफर किया जाए। माता रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। देखते रहिए सागर इंडियन ब्लॉगर चैनल को, और आपको देखिए कितनी सारी स्नो देखने को मिलेगी आगे। बहुत शानदार मजा होने वाला है, बिल्कुल जन्नत जैसा एहसास हो रहा है। बिल्कुल बर्फबारी लगातार जा रही है, स्नोफॉल, और इसका कुछ अनुभव अलग ही है। लाइव देखने का मजा और रियल देखने का मजे में डिफरेंट होते हैं। ये देखिए अनिल सर बना रहे कुछ बर्फ से इग्लू, तो देखते रहिए, बनाते रहिए, ऐसे यहाँ भी जाकर मनोरंजन कीजिए। बिल्कुल शानदार नजारा। दोस्तों जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे थोड़ी दिक्कत आएगी, सभी को आती है, हमको भी आ रही है। आप भी आएँ तो अपना बंदोबस्त करके जाएँ, सर्दी का टाइम है, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है। पूरे बंदोबस्त के साथ हमेशा यात्रा करने जाएँ माता जी की। बगैर बंदोबस्त के जाना आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है आपकी भी। तो देखते रहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोहरा, बर्फ और स्नो एक साथ। एक ब्लॉगर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कड़ाके की ठंड में भी हाथ बाहर निकाल कर ब्लॉगिंग करना, उसके बाद में सारा कंटेंट आपको दिखाना, इतना आसान है क्या? साथ में देखो बर्फ, हाय हाय मजा आ गया, कसम से बात यही है। हाँ अरे राम रे, कुछ नहीं दिखेगा आपको यार, सिर्फ हम दिखेंगे। हाँ हम चढ़ चुके हैं आज 18 किलोमीटर, रिकॉर्ड तोड़ा है पहली बार। तो
दोस्तों सर्दी बहुत है और मजा भी आ रहा है और दस्ताने वस्ताने सब नहीं है, माइनस 5 से ऊपर टेम्परेचर है ना। वेरी गुड। देखो दोस्तों ये भी पढ़ लेना, सीढ़ी पर नहीं चलेंगे यार। दोस्तों अब बचा है भैरवनाथ जी 1 किलोमीटर के समथिंग और अब सीधी चढ़ाई आएगी, जो सीधी बहुत ज्यादा कठिनदायक होती है, बर्फबारी बिल्कुल जूते भीग चुके हैं पैरों में, चलना बड़ा मुश्किल है, स्पोर्ट शूज पहन के चले गए। दोस्तों भैरवनाथ जी के हो चुके हैं दर्शन। रुको यार, अब बोलो। ये देखो बर्फ के नजारे, शानदार। क्या शानदार हो जा। अरे रुक जाओ रुक जाओ। क्या मस्त मजा है ये। तो दोस्तों अभी हमने कर लिए दर्शन, अभी जा रहे हैं भैरवनाथ जी के ऊपर। और ये भाई ये देखो, इसको शर्म नहीं आ रही, मार रहा है। धन्यवाद फॉर इंफॉर्मेशन। आ जाओ टीन आ जाओ। देखो टीना की हालत खराब हो चुकी है, टीना हालत खराब हो चुकी है, लाल लाल हो चुकी टीना। और वास्तव में बहुत मजा आया घूमकर, आप ब्लॉग देखिए और मजा लीजिए। बने रहिए सागर इंडियन ब्लॉगर चैनल पर, देखते रहिए, ऐसे ही आपको पूरे साल भर नए नए ब्लॉग दिखाऊंगा। और हो सके तो आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कंटिन्यू सागर इंडियन ब्लॉगर। दोस्तों हाथ देखो बिल्कुल जम चुके हैं, लाल हो चुके हैं। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सागर इंडियन ब्लॉगर चैनल यूट्यूब से माध्यम से, फेसबुक माध्यम से, इंस्टाग्राम माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको सारी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अगर आपको चाहिए जानकारी तो अपडेट के लिए हमेशा बने रहिए सागर इंडियन ब्लॉगर चैनल पर। तैयारी तरफ का मजा लीजिए, स्नोफॉल का भी मजा लीजिए, देखिए। दोस्तों जिंदगी है, घूमिए फिरिए, मजा लीजिए और अपने आप को रोमांचित अनुभव कीजिए। मुझे तो सिर्फ घूमने का नशा है, जो मैं घूमता हूँ आपको भी घुमाता हूँ आजकल। सुनो भारी मात्रा में गिर चुकी है, देख सकते हैं आप कितनी भारी स्नो है। उसके बीच में भी फोटोशूट हो रहा है, तीनों में फोटोशूट करवा रही है। तो दोस्तों इस व्लॉग में रहा भैरवनाथ जी के ऊपर का दर्शन का व्लॉग, आपको भारी स्नो देखने को मिली है। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ दूरी और बची है। आगे के व्लॉग के लिए बने रहिए, देखते रहिए सागर इंडियन ब्लॉगर चैनल को और बीच में वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करिए। आपको फिर से एक बार फिर कुछ नया देखने को मिलेगा, फिर भारी बर्फ, फिर वो वादियां घाटियां एवं पहाड़े बिल्कुल सफेद चादर ढकी हुई। तो बने रहिए साथ में और देखते रहिए सागर इंडियन ब्लॉगर चैनल को और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। Thank you.